महाशिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि शनिवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। रात्रि 9 बजे के बाद हस्तिनी नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, सुशील, दयालु, लोकप्रिय, विद्वान और व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं। उचित सलाह देने वाले, गणित, साहित्य एवं भाषा आदि में प्रवीण और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। हर प्रकार की कला में प्रवीण और धनोपार्जन करने में सफल होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपके अंदर कार्य ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहेगी, मगर मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। अपनी सुख सुविधाओं और स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति संभावित है। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस करेंगे। नई आर्थिक योजनाओं को आज के लिए रहने दें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। वृष राशि वाले जातकों को यदि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में थोड़ी भी गड़बड़ी महसूस हो तो उसका निदान यथासंभव यथाशीघ्र कराना चाहिए। हालांकि आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। संतान संबंधी शुभ समाचार का योग बन चुका है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नए व्यावसायिक योजनाओं के कई अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा महसूस होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभ के कई अवसर मिलते रहेंगे। आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अधिकारियों और महिलाओं का सहयोग आर्थिक लाभ के लिए बना रहेगा। आपका उच्च बौद्धिक स्तर हर मामले को अपने अनुकूल करने के लिए सक्षम होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विरोधी पक्ष दबे रहेंगे। अपनी वाणी की मृदुलता बनाए रखें। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य की अधिकता और अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ बना रहेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो संबंधित नियमों का पालन और नियमितता का ध्यान रखना पड़ेगा। सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। शत्रु पक्ष से सावधानी रखनी होगी। साजिश के शिकार हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। नई कार्य योजनाओं और व्यावसायिक उत्थान के लिए समय अनुकूल है। आपके प्रयास सार्थक होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। मित्रों का सहयोग व्यावसायिक उन्नति में सहायक होगा। नई कार्य योजनाओं के लिए छोटी यात्रा या प्रवास संभव है। आर्थिक लाभ के कई अवसर मिलेंगे। साझेदारी में सरकारी विभाग से लाभ संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा और संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार का समय चालू हो गया है। हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव होगा। नई कार्य योजनाओं की साझेदारी का निमंत्रण मिल सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। ससुराल पक्ष से लाभ संभावित है। पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। विरोधियों की साजिश से बचें। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। नए रिश्ते स्थापित होंगे।
तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मध्यम होगा। मन मुताबिक काम होने का प्रतिशत कम रहेगा। व्यावसायिक व्यवधान और कार्य ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा का सहयोग बना रहेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पारिवारिक तनाव संभावित है। मन में नकारात्मक ऊर्जा और अपव्यय की स्थिति बनी रहेगी। आज का दिन अधिक परिश्रम वाला घोषित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। किसी महिला की भूमिका से आपके रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक मामले में व्यय की स्थिति संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। आपके कामों में रुकावट का दौर धीरे धीरे समाप्त होगा। धैर्य रखें और काम करते रहें। ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें और केले के पौधे में जल डालें। धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध और शुक्र का चौथे घर में आना आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक उत्थान के लिए सहयोग करेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। कंधे और दांत मसूड़े से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। वाहन और जमीन जायदाद संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना होगा। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। व्यावसायिक विकास में महिला अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मकर राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी आवश्यक है। शुक्र आपकी राशि से तीसरे उच्च के होकर बैठे हुए हैं। सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आपके प्रयास हर दिशा में सफलता दिलाने के लिए सक्षम होंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी। पुराने संबंधों में नयापन आएगा। मित्र व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अपने व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। संतान संबंधी अनुकूलता और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। आपके अंतर मन का पूर्वाभास सहयोगी बनेगा और उचित दिशा के लिए प्रेरित करेगा। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक निवेश का योग बना हुआ है। आँखों में संक्रमण और पैर में चोट लगने की संभावना बनती है। सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि वाले जातकों को आर्थिक लाभ के कई अवसर मिलते जाएंगे। व्यावसायिक उत्थान का योग बना हुआ है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। अपने बुद्धि कौशल और योग्यता के अनुसार अपनी कार्य योजनाओं को अपने पक्ष में करने में सक्षम रहेंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में विशेष ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी दिक्कतें और आँखों से संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक मामलों में महिला वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और मन प्रफुल्लित रहेगा। सामाजिक समारोह में सम्मानित किए जाएंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य होगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम आवश्यक होगा। आर्थिक पक्ष का सहयोग बना रहेगा। नई कार्य योजनाओं के उद्देश्य से यात्रा संभावित है। लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।